Yes, good morning students. Today we are going to write cursive writing alphabets. CURSIVE, cursive writing. Cursive writing alphabets. Alphabets. मैंने आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट सिखा दिए थे, एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. कर्सिव राइटिंग का फर्स्ट कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है ए बनता है. नेक्स्ट इज बी, सी, डी, जी, एच, आई, जे, के, L, M. आप देखो कर्सिव राइटिंग को थोड़ा सा मैंने टर्न किया, हल्का सा मोड़ा है उसको और फिर लिखा है. सीधे अल्फाबेट्स नहीं लिखे जाते, उनको थोड़ा सा मोड़ के लिखा जाता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा लिखा जाता है. M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, and Z. ये आपके कैपिटल अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड. अब मैं आपको स्मॉल अल्फाबेट सिखाऊंगी, ए टू ई. अल्फाबेट्स ए टू ई. कैपिटल ए ऐसे लिखा जाता है, बट स्मॉल ए पूरा चेंज होता है. स्मॉल ए को हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर सर्कल, यहाँ टच, यहाँ ये बैंड करके और इसको ए को ऐसे घुमा दिया जाता है. दिस इज स्मॉल ए इन कर्सिव राइटिंग. बी इज बी, ए बी इन कर्सिव राइटिंग. सी जो है वो बिटवीन इन टू लाइन्स आता है. ए बी सी डी, ए के जैसे ही इसको लिखा जाता है वैसे तो, बट इसको ऊपर फिर यहाँ नीचे इसको फॉलो. A, B, C, D and E. ये कर्सिव राइटिंग के A, B, C, D और E अल्फाबेट्स हैं.
इनको आपको अपनी जो बुक है कर्सिव राइटिंग की उसमें लिखना है। और ये जो आप लोग अपनी एक कर्सिव राइटिंग की नोटबुक अलग से डाल लो इंग्लिश की 4 लाइंस की, देन यू शुड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि आपके जो हैंड राइटिंग है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो सके और आपको कर्सिव राइटिंग प्रॉपर लिखना आ सके। इसलिए ये जो अल्फ़ाबेट्स, अगर आपका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का, देन यू जो आप है वो एक नई नोटबुक डालो इंग्लिश की 4 लाइंस की, और A to Z जो है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर कर्सिव राइटिंग की नोटबुक के अंदर आप उसको लिखो। मिनिमम आप 2 पेज रोज लिखना शुरू कर दो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आज आपको अल्फ़ाबेट्स A to E दिया है कर्सिव राइटिंग में, ये आपको अपनी बुक के अंदर करना है, ठीक है। आपको जिस तरह से मैंने लिखे हैं, देखो मैंने कहीं भी लाइनों के बाहर नहीं निकाला, ना लाइनों से नीचे छोड़ के लिखा है, प्रॉपर लाइनों को टच करके मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, इसीलिए इनमें इतनी फिनिशिंग आई है। एकदम से कर्सिव राइटिंग की जो बुक में आपका लिखा हुआ होता है सेम लेटर्स ही वैसे के वैसे एज इट इज़ लिखे हैं। तो आप भी कोशिश करो कि दोनों लाइनों को टच करके और एक प्रॉपर अल्फ़ाबेट को हम लिख सकें। तो आपको इसको अपनी कर्सिव राइटिंग की बुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।